तो कैसे हो भाई लोग, आई होप गाइज आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसे आपने स्टार्टिंग वीडियो को देखा, इस तरह का बर्थडे का वीडियो अपना खुद का क्रिएट करना चाहते हो या फिर किसी फैमिली मेंबर के लिए इस तरह का वीडियो आप क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आप मेरे से इस तरह का यूट्यूब बनवाना चाहते हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर आकर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे जो भी काइंड मास्टर एप्लीकेशन देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इस वीडियो को हम इसी एप्लीकेशन में एडिट करने वाले हैं। अब गाइस आपको करना क्या होगा, इस तरीके से ओपन करने बाद आपको प्लस के आइकन पे जाना होगा। और आप जो फर्स्ट वाला फॉर्मेट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 1:1 यहाँ पे साइड में, इस पर आप जैसे क्लिक करो तो आपको एक इस तरह का इंटरेस्ट मिल जाएगा जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको करना क्या होगा, मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा, जो भी आपकी फोटोज़ हैं उन सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। कुछ इस तरीके से आपको फोटोज़ को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे फोटोज़ को सेलेक्ट कर लिया है। आपको करना क्या होगा, इन फोटोज़ के बीच में जो भी आपको ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इन पर आपको क्लिक करना होगा। और आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अपना डेटा ऑन करने बाद आपको एक ट्रांजेक्शन को डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पे गेट मोर के ऑप्शन पे जाने बाद जो यहाँ पे आप गैलेक्सी का ऑप्शन देख पा रहे हो, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिलेंगे। तो गाइज आपको इस ट्रांजेक्शन इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, इसके ड्यूरेशन को आपको थोड़ा यहाँ पे कम कर लेना होगा फोटो के ड्यूरेशन का। उसके बाद आपको सेकंड पे जाना होगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे और फिर से आपको उसी को सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे आप सेकंड वाले को सेलेक्ट कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से फिर से इसके भी ड्यूरेशन को आपको थोड़ा कम कर लेना होगा। तो गाइस इस ट्रांजेक्शन को आपको सभी में इस तरीके से दे देना होगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो गाइज, मैंने यहाँ पे सभी में इस तरीके से ट्रांजेक्शन को दे दिया है। आपको फर्स्ट वाली फोटो की ड्यूरेशन का आपको यहाँ पे कम कर लेना होगा। बस आपको इतना काम करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे करना क्या होगा, शेयर के उसमें जाना होगा, इस वीडियो को सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लीजिए। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होकर गैलरी में सेव हो चुका है। आपको फिर से बैक आना होगा और आपको एक बार फिर से बैक आने के बाद आपको करना क्या होगा, प्लस के आइकन पे जाना होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला फॉर्मेट आप देख पा रहे हो 16:9 का, इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे आपको फॉर्मेट को चेंज कर लेना होगा। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे आपको एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैंने इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसके ड्यूरेशन को आपको 30 सेकंड तक बड़ा कर लेना होगा। तो यहाँ पे इतना बड़ा करने के बाद आपको फिर से स्टार्टिंग पोजिशन पर आना होगा। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद सिंपल यहाँ पे इफेक्ट के ऑप्शन पे जाना होगा। और यहाँ पे बेसिक इफेक्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद फर्स्ट वाले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे आपको वीडियो में ब्लर लग जाएगा। तो गाइस इस तरीके ब्लर लगने के बाद आपको करना क्या होगा, ब्लर को आपको जूम कर लेना होगा। जूम करने के बाद आपको करना क्या होगा, सेटिंग के ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे आपको 6 पे सेलेक्ट कर लेना होगा। कुछ इस तरीके आपको यहाँ पे 6 पे सेलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको करना क्या होगा, इस ब्लर वाले के लेयर को आपको ड्यूरेशन को आपको लास्ट तक लेके जाना होगा, जहाँ तक आपकी फोटो खत्म हो रही है। तो गाइस इतना काम तो आपको सिंपल यहाँ पे कर लेना होगा। अब आपको करना क्या होगा, एक टेम्पलेट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। तो उस टेम्पलेट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, मीडिया पे जाने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में वो टेम्पलेट मिल जाएगा। तो गाइस मैं उसको यहाँ पे इस तरीके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको इस ऑप्शन पे जाने के बाद फुल स्क्रीन में इस टेम्पलेट को कर लेना होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्लेंडिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको सिंपल यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे और आपका टेम्पलेट यहाँ पे स्क्रीन में हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपका लगभग वीडियो पूरा बन चुका है। अब आपको करना क्या होगा, इस टेम्पलेट में जो आपने वीडियो स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना होगा। तो लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा और सिंपल उस वीडियो को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। इस वीडियो को मैंने यहाँ पे ले लिया है। कुछ इस तरीके से इस वीडियो को इस फॉर्मेट के अंदर आपको अच्छी तरीके से जूम आउट करके लगा देना होगा। तो मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको रख देना होगा इस फॉर्मेट के अंदर। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा, 3 डॉट पे जाने के बाद सिंपली इसको फ्रंट में कर देना होगा। तो आपका यहाँ पे वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से आपके टेम्पलेट के पीछे चला जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, एक और फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, मीडिया पे जाने के बाद आपको एक फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट सिंपल से कर लेना होगा। तो कुछ इस तरीके मैंने फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्लाइड करना होगा और यहाँ पे क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद मेक पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे शेप के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको गोल वाली शेप को इसमें सेलेक्ट कर लेना होगा। कुछ इस तरीके से इसको गोल कर लेना होगा। यहाँ पे गोल करने के बाद आपको करना क्या होगा, जहाँ पे आप गोल वाला सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, इसमें आपको इसको रख देना होगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको सेलेक्ट करने वाला करना क्या होगा, यहाँ पे आपको इस फोटो को आपको लास्ट तक ले जाना होगा, जहाँ तक आपकी सभी फोटोज़ खत्म हो रही है। फिर से आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना होगा, टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना होगा। टेम्पलेट आप जैसे क्लिक करोगे 3 डॉट पे जाना होगा और यहाँ पे इसको भी फ्रंट में
कर देना होगा, तो यहाँ पे भी फोटो टेम्पलेट के पीछे चली जाएगी, तो आपका वीडियो पे परफेक्टली बन जाएगा। आप आपको भी वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मैंने आपके सामने वीडियो को प्ले कर दिया और आपको अब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ दिया हूँ आपको वीडियो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस आप इस तरीके से वीडियो को देख लिया है, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपको शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, सिंपल यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। Superhero